चलो जी फ्लाइट। गुड मॉर्निंग पीपल, व्हाट्स अप? गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे? तो ये डे टू है हमारा, अभी हमें बाबा नगर में, तो ये हमारा एक गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है, तो ये हमने रात को लिया था इमरजेंसी में। ऑल दो अच्छा नहीं है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया होगा, अगर नहीं देखा तो लिंक ऊपर में आ रहा है, वो चेक कर लो, पार्ट वन, बिकॉज दिस इज़ द डे टू, सो दिस वीडियो विल बी पार्ट टू। बाकी ओवरऑल कल मज़ा काफ़ी आया जयपाजी? हाँ मज़ा काफ़ी आया, काफ़ी लंबी जर्नी थी, 550-600 किलोमीटर की होगी, 600 किलोमीटर, बट हमें लग गए 14 घंटे कम से कम इसको कवर करने में। हाँ तो बहुत टायरिंग था, अभी हम फ्रेश हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं, एंड आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं टाबो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे और आगे हो सकता है तो कवर करेंगे, बिकॉज हमको सबको लेके चल रहे हैं, हमारे साथ 4 बंदे हैं टोटल, हम दो हमारे दो और हमारे दो थोड़े सॉलिड हैं, रात को तो सोने नहीं दिया, दोनों कराटे मार दे खींच के। लास्ट वीडियो का लास्ट सीन आपने देखा होगा, हमारे बब्बू बाजी ब्लॉग तक करने नहीं दिया रूम में मुझे सपना आया भाई गिर गया वाइट हो गया रात को हमारे शेठ जी, हेलो गुड मॉर्निंग, कराटे मार के उठ चुके हैं। सो ये हमारे कमरे का बहुत बुरा हाल है। हाँ एक छोटी सी बालकनी है, भाई चढ़ना पड़ेगा, सारा पूरा चढ़ना पड़ेगा, कोई कंजूसी नहीं, देख लो भाई कितना काम करवा रहे हैं। गाइस हिट द जिम, गेट फिट, अगर एडवेंचर करना है तो। पहाड़ों पे सांस बहुत चढ़ता है एंड अभी इतनी सीढ़ियां हो रहे हैं, ये सब करा दे रहा इनको बाइकों का, सही बात है ना, हम ही लेते ना हम यहाँ पे। This is one of the difficult task, man. बाइक पे सामान बांधने में अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है सबकी एक्सरसाइज हो जाती है, तो आज का जिम का सेशन कंप्लीट है अब हमारा, अब चलने की तैयारी है, अब ऑब्वियसली जिम करते हैं तो भूख लग जाती है, तो हमें लगी है भूख, अनफॉर्चुनेटली जाम रुके थे, खाने का अभी कोई जुगाड़ नहीं था क्योंकि सुबह के 8:30 हो रहे हैं, तो दे सेट कि आधा एक घंटा लगेगा प्रिपरेशन में, सो वी थिंकिंग कि अभी हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे, जो भी नियरेस्ट ढाबा, जो सबसे पहला ढाबा आएगा वहाँ रुकेंगे और करेंगे थोड़ी पेट पूजा। लाला जी का ख्याल भी तो रखना है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा इनकी जैकेट नहीं बंद होती दो बंदे लगते लग जाओ जी काम पे लग जाओ इसके लिए ग्लव्स भी खरीदे नए वाले पड़े स्पेशल ग्लव्स, साफ आता तो जैकेट बंद की जाएगी, मत करो भाई मैं पेट दबाऊं, नरेंद्र ढाबा, सो जिस जगह पे हम रुके थे बिल्कुल उसके सामने में हमें मिल गया, और यहाँ हमें मिले बहुत स्वाद आलू के पराठे साथ में चाय। काजा से पहले ये आखिरी पेट्रोल पंप है पुआरी वाला, इसके बाद 200 किलोमीटर के बाद है काजा, कंटिन्यू है कि अलग-अलग है, 400 मेरे हो गए मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है गाइस, अगर आप यहाँ विजिट करते हो तो पुआरी में पेट्रोल डलवा लेना, एचपी का पेट्रोल पंप है, इसके बाद में मिलेगा सीधा 200 किलोमीटर के बाद।
200 किलोमीटर के बाद काजा में 200 चलती है, फुल करा लो। सो यहाँ बहुत पत्थर गिरते हैं, तो आर्मी की पोस्टिंग है यहाँ पे जगह जगह पे टू हेल्प दी सिविलियंस। तो यहाँ बहुत सारे लैंडस्लाइड होते हैं रेगुलरली। शूटिंग स्टोन्स, स्टॉप, लुक, गो। आज लद्दाख की आधा ही ताजा हो गई। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो रास्ता टफ होना शुरू हुआ है। फर्क नहीं पड़ता किस रंग के आप पैदा हुए हो, बट ऐसे रूट पे आगे आप गोरे हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारा मिट्टी पाउडर की तरह आपके मुंह पे लग जाएगा। इवन हमारी ब्लैक जैकेट्स भी एकदम वाइट हो जाती हैं। दैट्स द फन पार्ट। हम कह सकते हैं हम मिट्टी से जुड़े हुए बाइकर्स हैं। सबसे पीछे चलने का नुकसान ये है कि सबसे ज़्यादा मिट्टी मेरे ऊपर ही आ रही है। तीनों बाइक्स की मिट्टी मुझे गोरा कर रही है। नेचुरल थेरेपी। आई कैन सी स्नो ओवर देयर एज वेल। आई विल शो यू अनदर माउंटेन ऑन माई बैक। पुल थोड़ा वीक है इसीलिए थोड़ा थोड़ा गैप देके जा रहे हैं। वाओ, सी दैट माउंटेन मैन। सो लद्दाख की तरह यहाँ पे भी हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी पुलिस चेक पोस्ट पे, क्योंकि आगे रास्ता रिस्की है एंड दे हैव टू कीप अ चेक कि कितने विजिटर जा रहे हैं, किस पर्पस से जा रहे हैं। गांव वाला क्या कह रहा था, रोड अच्छा है इसको अच्छा। गांव वाला बोला रोड अच्छा है और ये इतना गंदा रोड है, पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, पत्थर गिर रहे हैं, हवा चल रही काफी तेज। भाई कितना रिस्की था ये, बहुत बुरा हाल है। हवा बहुत तेज है और उसकी वजह से पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। वैसे भी ये जो है सारा एरिया है जिसमें लैंडस्लाइड होता है, तो बहुत बहुत रिस्की था यार। पूरा टाइम जब हम राइड कर रहे थे ना, नजरें ऊपर थी और प्रे कर रहा था मैं, पाठ चल रहा था कि यार कोई भी पत्थर ना गिरे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी लाइफ की वन ऑफ द स्केरियस्ट राइड है, मुझे याद रहेगी, क्योंकि हमने पत्थर गिरते हुए देखे बट हमें निकलना था। हम थोड़ी देर रुके भी, उसके बाद हिम्मत करके हम लोग आगे आए। बॉयज विल बी बॉयज, गेम खेलने लग गए ये लोग यहाँ रुक के, पत्थर फेंक रहे, देख रहे हैं किसका कितना जोर जाता है। ये जो रूट है पूरा zigzag 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 करके ऊपर तक है। तो हम लोग रुके भी थे यहाँ पे ड्रोन से शॉट लेने के लिए, बट हवा में कंट्रोल नहीं हो रहा, हवा बहुत ज्यादा तेज है। बट यार मिस कर दिया, इतना अच्छा शॉट आता है यहाँ पे। पूरा नीचे से रोड ऐसे 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 करके ऊपर को चढ़ रही है। जैसे जैसे हम लोग उस पहाड़ के पास में जा रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है। एंड अभी टाइम हो गया 3:45। बहुत ज़्यादा रास्ता हमने कवर नहीं किया आज सुबह से जहाँ से हम चले थे, क्योंकि रुकते रुकाते आ रहे हैं, मस्तियाँ करते हुए, फ़ोटोज़ लेते हुए, वीडियोज़ लेते हुए। नाको लेक, नाको मोनेस्ट्री 1 किलोमीटर। ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ग्लव्स बाहर आ चुके हैं। इसको क्या हो गया, what happened माई ब्रो, लुक एट द व्यू मैन। अच्छा इसको इसकी गर्लफ्रेंड दिख गई बोरी, तो उसके लिए पागल हो गए। व्हाट अ व्यू मैन, 180 डिग्री व्यू। लेट्स सी नाको लेक कैसी है, फोटोज में तो हमने देखा है बहुत अच्छी दिखती है। माउंटेन व्यू, बिल्कुल पतला सा रोड है, रोड नहीं है, कच्चा एरिया है, गांव लग रहा है पूरा जो बसा हुआ है ये नाको गांव।
पूरा हाथ मुंह काला हो गया। वी हैव पार्क्ड आवर बाइक सेफली, अब हमें थोड़ा सा नीचे उतर के जाना पड़ेगा नाको लेक की तरफ, ठंड बहुत ज़्यादा है। ओ बॉय क्या व्यू है मैन, अमेजिंग, इट्स बेटर देन स्विट्जरलैंड आई टेल यू। देखना चाहोगे क्या व्यू है, ऑसम। स्नैक्स ब्रेक नाको में, ऑलरेडी मैं एक स्टिकर लगा चुका हूँ, दूसरा मैं लगाने वाला हूँ वहाँ पे। बेस्ट फूड इन हैंगरैंग वैली, वैली को वैली लिखा है ऐसे ही बोलते होंगे, आई एम नॉट श्योर। मून लेक रेस्टोरेंट, ये जस्ट नाको लेक की एंट्री पे है, सो आप लोग आओ तो यहाँ रुकना, बिकॉज खाने के ऑप्शंस यहाँ भी कम है लग रही है, बट आप सबके प्यार से मुझे गर्मी आ जाती है। अब मैं अकेला खोलूं कैसे और व्लॉग कैसे करूं वो सोच रहा है मुझे। अभी गाइस 6 बजने को है, आधे पौने घंटे में अंधेरा होने वाला है, बट मौसम खराब हो रहा है, ठंड पड़ रही है और हवा तेज होती जा रही है। यू कैन सी देयर, वो जो बर्फ के पहाड़ है बिल्कुल बादलों से ढक गए हैं, एंड बहुत थिक लेयर है क्लाउड्स की, जैसा आपने मूवीज में देखा होगा एवरेस्ट वगैरह मूवी में, तो बिल्कुल वैसा ही सीन मुझे भी फील हो रहा है। ब्यूटीफुल बट खतरनाक, बट ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। शीप्स, शॉन द शीप, शॉन द शीप, शॉन द शीप। सो गाइस वी आर इन टाबो, हम लोग 8 बजे पहुंच गए थे। थोड़ा टायरिंग था आज का दिन, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट राइड थी और ठंड बहुत थी, बट नाउ वी आर हैप्पी कि हमें स्टे बहुत अच्छा मिला है। दिस इज़ अ गेस्ट हाउस और हमें 600 रुपये का एक कमरा पड़ा है, तो दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। नाउ आई एम गोइंग देयर, देयर इज़ अ रेस्टोरेंट एंड बाकी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे बैठे हैं, वील हैव सम डिनर। हैं ये तो बार बार के बना रहे भाई, है ना, क्वांटिटी दिखाया था शायद। तो हमने किसी और के कमरे से 2 पिल्लो चोरी किए, अरे बब्बू बाजी हमारे चोर। बब्बू चोर कोई बात नहीं यार, मजबूरी सब सिखा देती है। बाय द वे गाइस, ये रूम है मेरा, कल मैं आपको टूर कराऊंगा, बाइक्स भी हमारी सेफ पार्क हैं। खाना बहुत स्वाद था, मज़ा आ गया। आप सोने की तैयारी है, सोने से पहले ब्लॉगर वाला काम, डेटा कॉपी करना है, सामान चार्जिंग पे लगाना है और अच्छी अच्छी बातें करनी है भाई के साथ में। सो लेट्स क्लोज डाउन द वीडियो राइट हियर राइट नाउ। मेहनत मेरी, रहमत उसकी, और भूल गया।